हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सब मतलब सी फूड। हाँ, सी फूड बनाऊँगी, क्योंकि आज अम्मी की फ्रेंड्स लोग घर पे आए हैं। तो रात को लोग ने बाहर खाना खा के आए थे, तो उसमें कल स्टार्ट नहीं करी, आज मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए खाना। तो सो अम्मी मच्छी साफ़ करे, उनका हमेशा का काम है। मैं मच्छी साफ़ नहीं करती, अम्मी हमेशा मच्छी साफ ऑफ करके मेरे को देते। तो क्या क्या बनेगा अम्मी बताओ, आज मेन्यू बता। बनेगा बोमिल का सालन, बोमिल का सालन, करकरा मच्छी है जो बहुत टेस्टी होती है खाने में। फ्राई करेंगे, आधी फ्राई करेंगे और उसकी मुंडी, थोड़े झींगे की चिल्ली बनाएगी शाना। चिल्ली बनाऊंगी बोमिल में, थोड़े से ये मुंडी उंडी है ना, इसकी मुंडी भी डाल देंगे ना अम्मी। हाँ। मुंडी इसमें डाल दो, कट कर दो बोमिल भी दो टुकड़े। और यहाँ पे मैं मसाला भी पीस ली फटाफट से सालन का। और सुबह नाश्ते का तो मैं ली नहीं, मैं नाश्ता भी इतना मस्त बनाई थी अम्मी। हाँ। नाश्ता कैसा? नाश्ता तो एक नंबर था, मजा आई। चाय, पराठा, असली घी का पराठा, लच्छे वाले पराठे। और मेरी दो फ्रेंड्स लोग को भी बहुत मजा आई खाने। हमें भूल गई, मेरे को अभी याद आया, वो भी अम्मी बोले कि ब्लॉग स्टार्ट कर, मेरे भूल गई थी। क्योंकि आप लोग आजकल प्यार नहीं दिखा रहे हो ना अम्मी, बोलो जरा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मेरे बच्चों को थोड़ा प्यार दिखाओ, लोगों को आगे बढ़ाओ। हाँ है ना, तो इतने मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, तो दिल वो हो जाता है। हाँ। जब नई लाइक उसका। हाँ। ये काटो ना, पर लाइक व्यू नहीं आते हैं तो क्या, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ। तो इसलिए थोड़ा प्लीज गाइस, बच्चों को मेरे आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा देखो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ बच्चों को मेरे। तो चलो अभी मैं फटाफट से पकाने लगती हूँ, डेढ़ ऑलमोस्ट बच चुका है, क्योंकि सब लेट उठे, नाश्ता लेट हुआ, तो फटाफट से खाना भी बना देती हूँ। सो गाइस, यहाँ माशाल्लाह से मेरा मसाला भुन रहा है सालन का, ये जो मैं बना रही हूँ बोमल और मुंडी के, सालन का मसाला भुन रहा है। और दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं झींगे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी चिल्ली बनानी है। तो मस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ, एक खा के देखी मस्त क्रिस्पी हो गया। हाँ, तो फटाफट से इतना हो जाएगा, तो फिर लास्ट में मच्छी फ्राई और चावल। मेरी चिल्ली की तैयारी चालू है, मतलब ग्रेवी बना रही हूँ, ये तो फ्राई है। यहाँ पे राइस भी दम पे है, यहाँ पे मच्छी भी रखती हूँ। सालन तो मेरा हो चुका, ये देखिए सालन भी बन चुका है पूरा, भी फटाफट से रेडी हो गया मेरा। तो गाइस, यहाँ पे मेरा खाना मतलब सर्व कर दी मैंने आंटी लोग को, ये चिल्ली, मच्छी फ्राई, सैलेड। कैसा बना तुम लोग को? आवाज़ आएगी सिर्फ तुम लोग की। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिखा के आपने, बहुत इज्जत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा लगे। मैं उन लोग को दिखा नहीं सकती, जो शोर इसके हाथ का खाएगा वो कुछ कुछ रहेगा, ये मेरी तरफ से। हाँ, क्योंकि मैं दिखा, तो गाइस वो लोग आते नहीं कैमरे के सामने, मैं लोग को दिखा नहीं सकती, इसलिए लोग बैक से, बैक कैमरे से उन लोग को जो बोलना था बोल दिए। खाना भी अच्छा लगा माशाल्लाह, अच्छा बना था खाना, अच्छा बना मेरे को। हाँ, बहुत दुआ दिए और खाना भी अच्छा बना ना, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी इसको लेके जाएगा फायदे में। तो अभी तीन बच्चों के, अभी आंटी लोग खाना खाएंगे। ये आंटी को बहुत घाई है जाने की, इसलिए वह जल्दी जल्दी हो रहा है ना अंजुम आंटी, तुम्हारे वजह से जल्दी जल्दी रहता, आराम से खाते थे सब बैठ के साथ में, लोग को जाने का खाते थे, गपशप करते थे। हाँ, मजा आती। लेकिन इसको आज ही काम आ गया। हाँ, ले तो पहला मालूम तेरे को आने का, जैसे शाम में थोड़ा तैयार होते मचकते किधर जाते, तो अभी खा लेते नहीं। सो गाइस, खाना हो गया है, अम्मी की फ्रेंड्स, अम्मी सब ने खाना खाया, सबको माशाल्लाह माशाल्लाह खाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे खाना बनने के बाद असली मतलब जब अच्छा लगता है, जब कोई तारीफ़ करता है अपनी, है ना, तो माशाल्लाह आप लोग ने देखे। और मैं रेसिपी नहीं दे पाई, और मैं ज़्यादा व्लॉग में खाने का ली भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी व्लॉग में आते नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ खाने का दिखाई। और अभी अम्मी भी गए नीचे, उन लोग के साथ ही उतरे वो लोग कहीं, तो अब मैं चली मेरा काम करने, क्योंकि मैं सुबह से उठी थी ना, मैंने पहले नाश्ता बनाई उन लोग सबके लिए, नाश्ता बनाई, नाश्ता होने के बाद मैं फटाक से खाना पकाने लग गई थी, तो मैंने घर का काम में ध्यान ही नहीं दी हूँ अभी तक, मतलब 4 बजने आ गया गाइस। तो अभी फटाफट से मैं सब घर साफ़ करूँगी, झाड़ू मारूँगी, किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि खाने के बर्तन पूरा, आप लोगों को तो पता है गाइस, जब मच्छी बनती है तो पूरा घर, पूरा घर, किचन तो क्या, पूरा मेरे को घर ही मैस लगता है, पता नहीं क्यों, पूरा गैस वैस एकदम वो ऑयली ऑयली हो जाता है। तो जब तक मैं वो क्लीन नहीं करूँगी, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलेगा गाइस। तो फटाफट से झाड़ू मारती हूँ, झाड़ू लगा के पसारा तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उठा दी हूँ, ये देखो अभी दिखाती हूँ मेरे अम्मी ने क्या करके गए, ये देखो मेकअप करके ऐसे ही सब छोड़ के गए। तो फटाफट से सारा मेकअप रखती हूँ पाउच में, और पलंग वलंग झाड़ती हूँ,
ये थोड़ा सा सही से रखती हूँ, थोड़ा इस्त्री उस्त्री पड़ी है सब उठा के, फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद किचन करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो गाइज अभी तक मैंने खाना नहीं खाई क्योंकि आज 12:30 बजे क्योंकि सबका मैंने चाय बनाई, पराठे बनाई थी, तो मैंने उन लोगों को देने के बाद फिर मैंने अपना पराठा बनाई, एक पराठा खाई मैंने, आज मैंने पराठा खाई हूँ गाइज। आज थोड़ी चाय भी पी, आज थोड़ा डाइटिंग को साइड में रखी हूँ, बट इतना ओवर नहीं खाई हूँ, थोड़ा ही खाई हूँ गाइज। बहुत छोटा सा पराठा बनाई थी मेरे लिए क्योंकि भूख लगी थी, तो वो पराठा मेरे को मतलब अभी तक 4 बज गया गाइस, मुझे अभी तक भूख नहीं लगी वो पराठा, मतलब इतना मेरे को क्योंकि आदत नहीं है ना, मैं कभी 2 अंडा ऐसी खा लेती हूँ या ब्रेड खा लेती हूँ, एक आधी ब्रेड खा लेती हूँ, नाश्ता इतना हैवी हो, आज नाश्ता कर लूँ तो मुझे अभी तक भूख नहीं लगी, वो अच्छा है। तो अभी मैं काम वाम करके ही डायरेक्ट खाना खाऊँगी, तो जल्दी खा लेती हूँ, मतलब जल्दी इतना से लेट खाऊंगी, 5 बजे 5:30 जो जैसा भी बजेगा काम करते करते, तो क्या भूख नहीं लगेगी रात को, तो मैं वैसे भी रात का खाना स्किप करती हूँ गाइस, ऑलमोस्ट स्किप ही करती हूँ मैं रात का खाना, तो अभी खाना खा लूँगी तो रात को नहीं खाऊंगी, इसलिए अच्छा है भूख नहीं लगेगी, थोड़ा लेट लगेगी तो क्या लेट खा लूँगी तो अपना खाना रात का भी हाजत नहीं रहेगी ऐसा। सो गाइस झाड़ू हो गई, पसारा उठ गया, मतलब घर मेरा साफ हो गया और 5 बजने आ गया, तो मैं क्या सोच रही हूँ पहला खाना खा लूँ गाइस क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, फिर हजम कब करूँगी मैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ किचन अभी खाना वाना खाने के बाद ही बर्तन धोती हूँ, तो सारा एक साथ काम हो जाएगा, मेरा खाना भी हो जाएगा, पूरा खाना खाली कर दूंगी तो क्या एक साथ पूरा क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से मैं मेरी प्लेट तैयार करती हूँ और खाती हूँ, थोड़ा मैं भी मज़े लेती हूँ मच्छी के। जी मैंने प्लेट रेडी कर दी, वो मैंने गिन के छोटे वाले स्पून से 6 चम्मच चावल, मच्छी, चिल्ली, सालन और बहुत सारा सैलेड। तो चलो खाते हैं, इस कसम से क्या ही खाना बनाया, लाजवाब। बहुत ही टेस्ट है, बोले कि अपने खाने की तारीफ करी लेकिन गाइस यकीन माने इससे अच्छा खाना कहीं नहीं, मतलब मच्छी तो ऑल टाइम फेवरेट, और इतनी अच्छी बने तो और मज़ा आ जाए खाने, है ना। नेक्स्ट टाइम रेसिपी ज़रूर दूंगी सालन की, वाकई इतना मतलब जवाब ही नहीं, इतना अच्छा सालन बनाया गाइस, बहुत ही मस्त। और ये चिल्ली सोने पर सुहागा, मच्छी फ्राई भी सोने पर सुहागा। आप लोग बोलेंगे दिखा के खा रही हूँ, बस रिव्यू बता रही हूँ गाइस, पागल लेती हूँ, इंजॉय करती हूँ गाइज। ये हालत है अभी किचन की, ये देखो इतने बर्तन, बर्तन थोड़े थे बट अभी सब खाली करी ना, सारे खाली करी, सालन खाली कर दी, मच्छी वच्छी सब खाली वाली कर दी, तो अब इतने हो गए, यहाँ पे मैं सब खाली वाली करके यहाँ एक जगह रखती हूँ, तो खाली वाली कर दो तो और अच्छा रहता कि हाँ चलो खाली वाली करके धो दिए, अब क्या रात तक फुर्सत मेरी, ये काम कर लूँगी बस, ये काम करके फिर आराम ही आराम है गाइज। मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सो गाइज हो गया, नेक्स्ट डे कल का ब्लॉग एंड नहीं की थी, मैं सोची आज ही कंटिन्यू करूँ, तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ नम्मो के घर पे, जब से उसने एसी ली, फ्रिज भी ले ली, मैं अभी तक उसके घर पे नहीं गई हूँ, तो आज जाती हूँ क्योंकि उसकी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब कल ही उनको हॉस्पिटल से कल या परसों, हाँ कल ही डिस्चार्ज मिला, तो वह आए हैं इधर मीरा रोड में, नम्मो लेकर आ गई अपने घर, तो उनसे भी मिल लूँगी और उसको पार्सल भी दे दूँगी, क्या पार्सल है वहाँ जाके बताती हूँ। तो हे गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं ये चैनल पे दिख रही हूँ, और ये देखो मैडम आई थी रमज़ान में, उनको देख रमज़ान में आई थी और अब ये आ रही है यहाँ, खास आंटी के लिए, तो मैं आती थी नहीं इसके घर में, आंटी को मिलने के लिए मैं आ गई, इनको देखो और लोग भी आए हैं, दोनों चल लोग भी मिल लेते हैं, लोग भी आए थे घर पे, तो हम लोग भी मिल लेते हैं, तो आई है रमजान में चढ़ी थी, अब चढ़ी है सीधा उसके घर में, एसी आई, फ्रिज तो अभी तक देख रही हूँ, देखती हूँ फ्रिज कैसी है, एसी तो देख पहले एडी, हाँ वही फ्रिज है जो पसंद करेगा, कितने अच्छे से रखी तक मैंने फ्रिज में देखी सब, ऐसा पपैया खुला रखने का, तो, सैलेड ऐसा काट के रखी है, अरे तो पागल हो पपैया, पागल है अब रखी हूँ, सड़ गया क्या होता है, इसको डब्बे पैक डब्बे में रखने का होता है, सड़ गया क्या होता है, तू फिर मैं रखी हूँ, कलर चेंज हो गया मतलब, अरे तो बीट है उसमें पागल, अच्छा सजा के रखी हूँ,
ये सारी हंडी तक मेरे घर में चढ़ी हुई है। हाँ तो तूने जो एक्सीडेंट के टाइम पे चढ़ाई थी ना वो नाइटी फाड़ के मैंने लेकर आ गई इधर पोछा बना दी। और मैंने लाई हूँ इसके लिए गाइस कल बनाई थी जो मैं बोली ना मैं डब्बा ली मैंने इसके लिए लाई हूँ प्राउन्स चिल्ली। तो आप लोग अभी कमेंट करेंगे बचावा लेकर आई तो बचावा नहीं लाई कल से रात से मैं उसको फोन करी जब बना तभी फोन करी ना क्या क्या अम्मी भी फोन कर रहे हैं क्या जा खा ले करना चालू करेंगे। नहीं कल मेरे को खाई थी निकल खोल के रखी थी मेरे लिए रखना उठा के तो उसको लेकर आई चिल्ली लाई। मैं कल जा रही थी ससुराल तो लोग बुला ही रहते बट मेरे को लेट हो रहा था इसलिए मैं नहीं खा पाई तो मेरे लिए रखे थे। गाइस मैंने जो भाजी बनाई है खाना बोल रही तूने उबाला हुआ बनाई है तो उसको अभी कुछ कर रही है क्या होगा इसकी शक्ल देखो भाजी की मसाला गाइस मेरे को अंदाजा नहीं है चावल भी गिरा के रखी है। अरे वो कुछ वो है ना चावल के इसमें चम्मच है उसका चपटा वाला नहीं ये है अच्छा वो नहीं टेस्ट कर रही हूँ अच्छा पता नहीं कैसा बनी हो भाजी मैं तो खाई टेस्ट नहीं है टेस्टलेस है ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल का उबली हुई भाजी। तो मेरे इनको खिला सकती हूँ ना फिर हाँ निकाल दूँ थोड़ी खिला सकती है थोड़ी नहीं हाँ वही ना उनको एसिडिटी नहीं होना बनता अभी तो मैं भी नहीं खा सकती मैं समीर को ही खिलाऊंगी लहसुन डालने का टेस्ट के मैं पहनूंगी मैं वो भी लगता साड़ी शक्ल के बना मेरी आज रोटी फुली शाना है आज एक नंबर रोटी बनी दे ना वो दे लाइटर दे जरा भाजी दे थोड़ी तो खाएंगे मम्मी लेके चलेगा खा लेंगे थोड़ी जाती चल इसमें है चम्मच ये उठा आराम तो गाइस हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में इसमें तेल है कुछ तो एक डायलॉग आता है ना इसके लिए कुछ तो आता डायलॉग निकल जाए जैसे ही बोला देखो इसका मतलब देखो नहीं कुछ तो एक डायलॉग नहीं आता है याद करो जरा जान तो छोड़ो इसका वो देखो इसका वो देख के मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं नहीं बोलता तो अभी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है भाजी का कुछ ऐड ऑन कर रहे शाना मैंने इसमें गाइस मैं उबली भाजी बनाई है तो मेरे को मसाले का अंदाजा ही नहीं मिलता नहीं अच्छा बना एक नंबर बनाई थी भाजी भी तो मैं खा लेता था अभी लोग का ठीक है करके तो खा लेता था चिकन लाई हूँ समीर को पहले टेस्ट कराते जाना अब मेरे को क्या दिखा रही उसको दिखा पहले वाला टेस्ट थोड़ी क्या था तूने हाँ रे अभी बहुत अच्छी लग रही है तो गाइस अभी शक्ल कितनी बदल गई बदलते रिश्तों की जल्दी शक्ल अच्छी लग रही बेटे इसमें हाँ सही मैं उबली हुई लग रही थी अभी इसने कुछ डाल दी उसमें जादू हो गया जादू कर दिया जादू ये पाव भी अपने पास बेचारा हर बार लाया खा लेना एक नंबर ऐसा लगेगा पाव भाजी खा हाँ मैंने ना ही मंगाया है मस्का क्या खाना पता है मस्के में मस्त पाव का नहीं नहीं अभी वो सब नहीं कर रही मैं थक गई खाना हाँ कर लेना अपना अलग ही चिल्लो का चल क्या करना तवे में मस्का डालना बता रही फिर लाल मिर्ची पाउडर डालना और कोथमीर डालना तवे पे और फिर पाव रख के मस्त से पाव हावड़े चाले कम अब लोग भी रुकते तो खा लेते दुनिया का खाना है देखो गाइस बोली उसको रुक जा ले खाना खजाना हो गया आज बनाई मैंने कितना कुछ पागल चिल्ली आ देखो चिल्ली भी ले झींगा मत टेस्ट करो क्या हुआ हाँ मेरे लिए हो चिल्ली ये नहीं खाता झींगा मत कैसा मुँह कर कल भी हट निकल यहाँ से नूडल्स में से दोनों भाइयों ने शिमला मिर्ची अलग कर दी है ना मैं खाई तो कैसा कर रहा था कौन है ये कौन सी हरकत है शिमला मिर्ची खिलाई भाई मेरे को तो इससे मैं ढूंढ ढूंढ के खाती हूँ अच्छी लगती है कोई कोई इसमें शिमला मिर्ची डालना भूल गई मैं भाजी तो में वो नहीं खाता अच्छा नहीं था हाँ नहीं खाता था लेकिन तो गाइस हम लोग अपना पूरी ऑफ स्टक लेके जा रहे हैं प्लान में चेंजेस आ गए इसके घर पे गई थी मैं पकड़ तो पकड़ इसके घर पे गई थी मैं
तो चाय में पी के उतरे नीचे, उतरा तो भाई साहब बोले हम लोग वापस आ गए रुकने गए, तो फिर अब घर पर आए, फिर पूरा बोरिया मिश्रा लेके अब जाए गाड़ी का टंचर हो गया, पंचर हो गई, फायर फायर टंचर हो गई गाइस। बोले कैसा रखी फोन, टायर पंचर हो गया, चलो हम लोग जा रहे हैं अपने घर को। चलो मैं रुकूंगी, इस वजह से मेरा गद्दा भी जाएगा, मैं जा जाऊंगी ये मेरा गद्दा है। सो गाइस वहां पर गद्दा नहीं है और मैं जमीन पर नहीं सो सकती बिकॉज ऑफ माय मेरे हाथ के ऑपरेशन के वजह से, इसलिए मैं जमीन पर हाँ तो मैं मेरा मैं लोग मेरे को बोल रहे थे रुकवा, तो मैं चलूंगी गद्दा लेके, चलो फिर तो लोग। सो गाइस अभी नम्बो के यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाए, वो मैं वीडियो लेना भूल गई थी और अब हाँ भूल गए थे। अभी हम लोग चले नाइट आउट मारने, मतलब आधे पौने घंटे का नाइट आउट, ऐसा पूरा नाइट आउट नहीं मारेंगे, थोड़ा चाय वाय पीते, ठंडा है मौसम, बस ठंडा ठंडा लग रहा है, तो चलो मैं मेरी राउंड मारते हैं और मैं इतने टाइम बाद इसके यहाँ रुकने आई हूँ तो ऐसा कैसा सो जाएंगे, थोड़ा मस्ती मजा मेरे दांत। तो चलो अभी देखते हैं चाय कहाँ मिलती है हम लोग को चाय पिए। सो गाइज अब जाके ठंडी का एहसास हो रहा है, क्या ठंडी है क्या ठंडी है, एकदम मस्त लग रही है। और ये रोड पे गाइस ये हमारे क्या बोलते रहे क्या नाम है, ये रोड का नाम क्या है क्या गाइस ये रोड का नाम क्या है, ये रोड का नाम क्या है, हाँ ये सृष्टि रोड पे तो इससे ठंडी लगती है, ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में आ गए गाइस, अब मजा आ रही है। अभी चलते हैं चाय देखते हैं चाय मिलती क्या अपने को। सो गाइस चाय मिल गई, हम लोग चाय नहीं हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय थोड़ी मीठी है, मीठी है थोड़ी, हाँ ठंडी में चाय पीने का मजा ही मस्त, और अभी ठंडी का एहसास हो रहा है। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और ढेर सारा प्यार देना, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।